दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते हो, इनके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना चाह रहे हो। सपोज करो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लूंगा और जो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। तो हमने देखा कि जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहली लाइन के अकॉर्डिंग, पहली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, और सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर लेना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है एक ही पॉइंट पे, जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। जबकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और उसकी सिंगल डायरेक्शन होती है, कोई दो तीन ऐसे कोई 10-15 डायरेक्शन नहीं होती। ये गलत डायरेक्शन है, मतलब दोनों चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब या तो इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये डायग्राम गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आती है, अलग अलग डायरेक्शन आती है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाना है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी।